नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। NHAI ने टोल प्लाजा पर ट्रैफिक को खत्म करने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इससे अब टोल प्लाजा पर 10 सेकंड से ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। दरअसल टोल नाकों पर गाड़ियों के लिए इंतज़ार का समय कम करने के लिए NHAI ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिससे अब सिर्फ 10 सेकंड के अंदर आप टोल पार कर सकेंगे। नई गाइडलाइंस में ये भी शर्त है कि अगर गाड़ियों की कतार 100 मीटर से ज़्यादा हो जाती है तो आगे की गाड़ियों को बिना टोल लिए उन्हें जाने देना होगा, जब तक कतार 100 मीटर के भीतर नहीं आ जाती। चलिए अब आपको बताते हैं कि NHAI ने अपनी नई गाइडलाइंस में क्या कहा है। NHAI ने बुधवार को एक बयान में कहा और नए निर्देश में टोल प्लाजा पर वाहनों की 100 मीटर से ज़्यादा कतार नहीं लगने को लेकर यातायात के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित किया जाएगा। उसने कहा, फास्टैग के अनिवार्य किए जाने के बाद ज़्यादातर टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय बिल्कुल भी नहीं है। अगर टोल पर किसी कारण वाहनों की कतार 100 मीटर से अधिक होती है तो उस स्थिति में सभी वाहनों को बिना टोल दिए जाने की अनुमति होगी, जब तक टोल नाके से वाहनों की कतार वापस 100 मीटर के अंदर नहीं पहुंच जाती। NHAI ने कहा है कि सभी टोल नाकों पर 100 मीटर की दूरी का पता लगाने के लिए पीले रंग से एक लकीर बनाई जाएगी। ये कदम टोल प्लाजा ऑपरेटरों में जवाबदेही की एक और भावना पैदा करने के लिए है। NHAI के अनुसार उसने फरवरी 2021 मध्य से 100% कैशलेस टोलिंग को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। NHAI के टोल नाकों पर फास्टैग की उपलब्धता कुल मिलाकर 96% और इनमें कईयों में तो 99% तक पहुंच गई है। NHAI ने कहा है कि कोरोना के कारण सामाजिक दूरी एक नया नियम बन गया है। फास्टैग के बढ़ते इस्तेमाल से इसका पालन भी आसानी से किया जा रहा है, जिससे टोल संचालक और वाहन यात्री संपर्क में भी नहीं आते। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।